कांग्रेस की सरकार जाने के बाद अब समीक्षा का दौर चल रहा है। कोरबा जिले में शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी ने हार को लेकर मंथन किया। इस दौरान कोरबा विधायक और सरकार में राजस्व मंत्री रहे जयसिंह अग्रवाल का गुस्सा फूटा। उन्होंने सीधे सीधे प्रदेश के मुखिया को हार की असली वजह करार दी। जयसिंह ने कहा कि जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया उन्होंने 5 साल सरकार की अगुवाई की, उनकी गलत नीतियां और तानाशाही रवैया हार की असली वजह बनी। देखिए, पिछले 2018 के चुनाव में पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, हम लोग विपक्ष में थे, उस प्रकार से इस बार के चुनाव में देखने को नहीं मिला। पहली चीज, जबकि हमारी सरकार थी, और पिछली बार प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे बघेल साहब और CLP लीडर थे TS सिंहदेव जी और जितने वरिष्ठ नेता थे लगभग सभी ने चुनाव लड़ा, एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा। अभी का जो चुनाव था वो चुनाव थोड़ा सेंट्रलाइज हो गया था, क्योंकि जो 5 साल की हमारी सरकार का कार्यकाल था, सरकार ने काम किए, बहुत से काम हुए, कुछ काम शेष भी थे, लेकिन जो हमको जनादेश मिला था उस जनादेश का हमारी सरकार सही आदर नहीं कर पाई। जिस प्रकार से मंत्रियों को जो पावर मिलनी चाहिए थी मिल नहीं पाई,